हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल समर मोटर ब्लॉग। तो गाइस फाइनली आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, हम शिमला पहुंच गए थे। अभी शिमला से हम रात में यहाँ इस होटल में स्टे लिया हमने, और अभी हम यहाँ से निकल ले। समय हो गया है 9:45 बजने वाले। अरे ये होटल थोड़ी ना, बर्फ का पहाड़ है, बर्फ का पहाड़। एक्चुअली टेम्परेचर यहाँ पे 4 डिग्री पहुंच गया था शाम में, बहुत सर्दी लगी है। हालांकि कपड़े वपड़े का व्यवस्था ठीक था। माइनस वन जा रहा था? नहीं, हाँ जी माइनस वन, हाँ जी रात में। तो मैंने एक्चुअली चेक नहीं किया, मैंने फोर किया था शाम के टाइम। तो शाम के टाइम आप 9-10 बजे चेक किए थे। तो अभी हम फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं कुफरी के लिए। कुफरी है ना, तो कुफरी से हम जैसे भी होके वहाँ से निकल के, और जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल के हम तुरंत आज ही हमें दिल्ली निकलना है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 3 बजे तक कुफरी से एग्जिट मार जाए, तो हम यहाँ से फिर दिल्ली निकल जाएगी। आज शाम को हमें 100% दिल्ली पहुंचना है। एक्चुअली टाइम बहुत हो चुका, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो चुका हमारा। हमारा प्लान जो मनाली का था वो तो कैंसिल ही हो गया, और इसमें हम अभी चलते हैं कुफरी। तो मिलते हैं आपको मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। तो गाइस अभी चल दिए हम अपने होटल से, और ये है हमारा होटल। एक्चुअली लेट बहुत हो चुके हैं, और इसलिए निकलते निकलते एक्चुअली बहुत टाइम हो जाता है, सर्दी का मौसम है। ये हमारा इस प्रकार से कुछ होटल है, 3 फ्लोर है, और आसिफ भाई आ रहे हैं मज़े से आराम से ब्लॉग शूट करते हुए। हम चलते हैं, एक्चुअली ये 2 होटल है इनके, और हम चलते हैं अपनी बाइक की तरफ। बाइक हमारी यहाँ पे खड़ी है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ बाइक की पार्किंग की है, पार्किंग की सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर पड़ती है। अभी देखते हैं बाइकों की क्या कंडीशन है, बाइक स्टार्ट होगी नहीं होगी। ठंडी बहुत ज़्यादा है, रात में देखा आसिफ भाई ने कि माइनस टेम्परेचर, माइनस में चला गया था, -1। अभी एक्चुअली मेरी तो पहले स्लब में स्टार्ट हो जाती है भाई। सबसे बड़ी मुसीबत है यहाँ चढ़ाना, और उससे भी ज़्यादा डेंजर है यहाँ से उतारना। अब ये देखो कितनी खड़ी चढ़ाई। एक्चुअली जब चलते हैं ना, तो चलते चलते जब चढ़ाते हैं जब तो आसान है चढ़ाना, लेकिन उतारने का बहुत डेंजर है। उतरती है, ब्रेक भी मारो तो भी गाड़ी चलती रहती है, इतनी खड़ी चढ़ाई है। एक्चुअली कैमरे में देखने में इतनी खड़ी नहीं लगती है, जितनी है रियल में बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई होती है ये। अभी जब तो हमने चढ़ा दी थी बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे करके, अभी देखो कैसे बहुत मुश्किल है भाई यहाँ पर। और ऐसे ही पूरी पहाड़ी पे, एक्चुअली गांव ही पहाड़ी पे बने हुए हैं, ये सिटी, अब ये तो सिटी है। तो चलते हैं यहाँ से, हम निकलते हैं। एक बाइक निकालने के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत बननी पड़ती है। तो अभी निकालते हैं धीरे धीरे से। हम एक्चुअली देखने में आपको ऐसे लग रहा हो हम बहुत ऊंची से पहाड़ी पे चढ़े हुए थे। बहुत लंबा रास्ता था, तकरीबन आधा किलोमीटर का हमने ऐसी खड़ी चढ़ाई की है। और ये आ गए मेन रोड। मेन रोड अगर हम यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं तो हम चले जाएंगे चंडीगढ़ की तरफ, और यहाँ से राइट लेंगे तो यहाँ से हम जाएंगे कुफरी, जो कि होगा 16 किलोमीटर के समथिंग। ओके, एक्चुअली हमने पुलिस वाले भाई साहब से पूछा तो ये कह रहे राइट है और 15-16 किलोमीटर के आसपास बैठेगा। और मॉर्निंग का है, एक्चुअली सूरज जब ना लगता है चेहरे पे तो बहुत अच्छा लगता है, और वरना सर्दी भाई पीक पे है सर्दी। एक्चुअली सीजन शुरू
तो फाइनली हम पहुंच गए कुफरी। कुफरी में ये देखिए आप, ये एडवेंचरिंग इसमें कर सकते हैं। तो ये है कुफरी का नज़ारा, गाड़ी को करते हैं बंद और ये एडवेंचरिंग इसमें कर सकते हैं हम। एक्चुअली पैराग्लाइडिंग यहाँ पे नहीं होती है, पैराग्लाइडिंग सिर्फ मनाली में होती है। अभी किसी से पता करते हैं कि ये क्या क्या प्राइस है और क्या क्या इसका सिस्टम है। कुछ इस प्रकार से आगे ये घोड़े वगैरह जाते हैं, आप गाड़ी भी ले जाना चाहते तो ले जा सकते हैं, थोड़ी दूर गाड़ी जाएगी उसके बाद। तो ये इसमें पार्क बना हुआ है, ये भाई बता रहा है कि इसमें सारी एडवेंचरिंग करने का, जो घोड़े घोड़े से हाउस राइडिंग करेंगे बस खाली तो 500 रुपये, और इसमें सारी एडवेंचरिंग और घोड़ों की राइडिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट लगा के पर पर्सन 1700 रुपये है। इसमें एक पार्क होता है ऊपर जाके, तो उसमें रस्सा वस्सा ऐसे करते बस ये सब जो है, ये बाग वाग से पार्क, ये रस्से पर लटकना ये। तो बाकी हमारे पास इतना एक्चुअली टाइम नहीं है जो हम ये सब एडवेंचरिंग करें, और ये कोई इतना ख़ास नहीं है, ये अभी देखने में पोस्टर में ऐसा लग रहा है, बाकी जब जाएंगे ना वहाँ पे तो ये सब अपना जो घूमना है तो नेचुरल घूमें। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा जनवरी में बर्फ़ आ जाता है तो उस टाइम घूमने का मौसम है। ये गांव है बस, वो है अंदर ऐसे ही, मतलब पहाड़ों पे गांव बसे हुए हैं। ये पार्क वारक ये सब चीज़ें, बाकी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और हम आसिफ भाई से और गोरा भाई से राय ले रहे हैं इस चीज़ की। गोरा भाई ने अभी बोला कि टाइम नहीं है इतना। एक्चुअली हमारे इसके वॉइस जो है ख़राब हो गई थी तो इसलिए हमें अलग से वॉइस डालने पर। अब देखो पीछे क्या सीन दी है, बहुत ही बेहतरीन। ये कुफरी का सीन। एक्चुअली गाइस ये वेदर है कुफरी का। कुफरी में ये चीनी पाव है, चीनी पाव क्या बोला था ना भाई, ये क्या है चीनी पाव? अरे वो वहाँ पे क्या लिखा था यार, 20% बैटरी है, रात को चार्ज ही। तूने रात में चार्ज नहीं किया, पावर बैंक है ना लगा ना, स्क्रीन ऑन ही रहेगा भाई। यहाँ से सारी एडवेंचरिंग होती है ये भाई, जे है पुकरी, हमने वहाँ पे दिखाई दिया, वो प्राइस क्या रहेगा उसका। अभी तो बस यहाँ से थोड़ा बहुत व्यू देख कर निकलते हैं। तो गाइस कुफरी की और शिमला की ट्रिप को हम यही समाप्त करते हैं, और जो था हमने दिखाया है काफ़ी। अभी एक्चुअली यहाँ पे स्नो नहीं है, और स्नो तो मुझे लगे कि जनवरी के बाद ही हो पाएगा, तो जो था आपको दिखाया। अभी फ़िलहाल क्या है कि ट्रिप को समाप्त करते हैं और अब हम यहाँ से निकलेंगे दिल्ली के लिए, और दिल्ली की एक नई वीडियो डालेंगे। एक्चुअली नॉन स्टॉप बाइक रहेगी हमारी दिल्ली, कुफरी टू दिल्ली, ठीक है। तो राइड के बारे में कैसे रहेगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? राइड के लिए अच्छा ही रहा है। अच्छा ही, देखो वहाँ अगर वेस्ट हो गया था तो उससे तो बस ठीक ही है। फिर भी आसिफ भाई क्या बोलोगे? ठीक ठाक है, मस्त है, मनाली इज बेस्ट बट शिमला इज ठीक ठाक। हाँ ठीक है ठीक है, वही है कि थोड़ा सा वहाँ पे अभी आपको मनाली में बर्फ़ वगैरह मिल जाती लेकिन यहाँ पे नहीं मिलती है। वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और करते हैं टाटा बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहिए चैनल पर। और करते हैं वीडियो को बाय बाय, टाटा बाय बाय, बाय बाय।